गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग आ चुके और एक नए व्लॉग के साथ बज चुके हैं 11 बजे में उठ चुका आज। मतलब थोड़ा जल्दी उठा, मतलब आप लोगों को टाइम तो बता रहेगा उठने का, थोड़ा जल्दी उठा। अभी स्नान वन करता हूँ, फ्रेश व्रेश होता हूँ थोड़ा एकदम अच्छे से, फिर निकलते हैं। स्नान जो है कर लिया है अभी अपन ने और अब निकलेंगे अभी जश के इधर जाते, फिर जाएंगे कोई तगड़ा सा जश के इधर क्या जश के घर पे, वही जश के इधर ऐसा जश के घर पे मतलब। और इसका जो है उल्टा वड़ा पाव जो है रेडी हो चुका है, जो कि उल्टा नहीं बना है, सीधा ही बना है। और हम लोग जो जाने वाले अभी सीधा वड़ा पाव खाने, ये तो उल्टा वड़ा पाव बना है, हम जा रहे सीधा वड़ा पाव खाने। ये खाएगा, मैं और छोटू लाल जा रहे सीधा वड़ा पाव खाने, जो कि मतलब नॉर्मल मुंबई का वड़ा पाव रहता है, वही स्ट्रीट फूड खाने जाते। लेकिन गाइस यश भाई ने जो मेरी गाड़ी रुका दिया, बोला कि कुछ और अलग चैलेंज है तेरे लिए। तो यश भाई बताओ क्या चैलेंज है भाई? तो चैलेंज है जैसे इंडिया में 28 स्टेट और 7-8 यूनियन टेरिटरीज है, सही एकदम। तो तुमको अभी मुंबई के अंदर पूरे इंडिया के कोई भी 7 स्टेट लेना है, ओके 7 स्टेट जैसे राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, गोवा, कुछ भी, ओके। और उसका खाना तुझे ढूंढ के मुंबई के अंदर खाना है, समझ रहे गाइस? ये चैलेंज अपन करेंगे गाइस, 7 स्टेट्स के फूड। तो भाई देखो, मेरे को पहले तो पता है महाराष्ट्र का तो मेरे को इजीली मिल जाएगा, लेकिन भाई दूसरे सब जो चीज रहेंगे वो थोड़े में रहते तो महाराष्ट्र का तो मिल जाएगा, पर अभी राजस्थान का, गुजरात का, दिल्ली का, अरे भाई भाई कितने स्टेट है, कितने भाई बहुत सारे स्टेट है, तो उसमें से मेरे को स्टार्ट अभी ढूंढना है। तो गाइस ढूंढते स्टार्ट करते हैं ये चैलेंज बिना किसी देर के। तो और अगर आप लोग को ये चैलेंज पसंद आया तो क्या करना है, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितने भी बंदे देख रहे हो लाइक तो एक करते जाओ, होप करेंगे 5000 लाइक्स का ये वीडियो में, तो कर दो यार भाई लोग। हम लोग ने जो है एक स्टेट पहला डिसाइड कर लिया, जो कि अपना नॉर्मल जिधर हम रहते हैं महाराष्ट्र है, तो उसका जो फूड है मतलब वड़ा पाव और ये सब तो पाव भाजी तो आप लोग को पता ही रहेगा बहुत जरूरी। लेकिन गाइस ये कुछ अलग है, मिसल पाव जो कि इधर की फेमस डिश है और हम जो आए मिसल पाव खाने और जो तीखा रहता है बहुत। तो गाइस ये रही वो डिश जो कि मिसल है, तीखी होती है ये और इसके साथ पाव मिलता है और इतनी टेस्टी होती है ना गाइस, क्या बोलिए, मतलब महाराष्ट्र वाले की तो फेमस डिश होती है वड़ा पाव के साथ ये, पुणे और महाराष्ट्र, पुणे और मुंबई भाई मस्त है। और क्या तीखा बना है, आप लोग को ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए, अगर आपको मुंबई में आओ ना तो ये चीज़ जरूर ट्राई करो गाइस आप लोग। भाई मन ये तेरे से पूरा नहीं होने वाला, ये फिक्स कर, तू बता। सबसे जोर चीज है भाई ये, कितना रोज रोज भी खा सकते हैं ऐसी चीजें ये, पर वो बात अलग है कि पेट खराब हो जाएगा रोज रोज खाएंगे तो। नेक्स्ट डेट है जो है गुजरात गाइस, मोस्टली गुजरात के सब चीजें इधर मिलते ही है, तो एक शॉप है हमारे इधर बेसिकली कैसे गुजरात के पब्लिक मीठा बहुत खाती है। हाँ मीठा बहुत खाती है, हमने गूगल पर सर्च किया, मतलब हम तो राजस्थान से पर गुजरात भी हमारा भाई है, भाई भाई तो मीठा बहुत खाते हैं। हमने अभी ऑर्डर कर दिया, अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसे होगा। गुजरात में जो है खमन और गाइस खांडवी, गाइस ये आप गुजराती लोग जो भी है चैनल पे जो बताना मेरे को, ये दोनों चीज आप लोग ने आप लोगों को पता ही रहेगी जो भी गुजरात से रहेगा, मोस्टली तो गुजरात में जलेबी फाफड़ा फेमस मिलता है तो वो तो आप लोगों को पता ही रहेगा। लेकिन गाइस ये जो दो चीज़ें जो कुछ अलग चीज़ें, जो कि एक ये जो खांडवी है मैंने खाया हुआ है, मैंने दोनों चीज़ टेस्ट किया हुआ है और जो कि दोनों बहुत सही है, और हम मैं छोटू लाल और ऋतिक भाई दोनों को भाई टेस्ट कराने वाला हूँ मैं ये चीज़। ऋतिक भाई की फेवरेट है सही में, मेरी नहीं है फेवरेट, तो फर्स्ट टाइम खा रहा हूं। हां मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूं, ये दो ये नहीं खाई आज तक कभी, नहीं होगी, टेस्ट करो भाई। ये राबड़ी की सब्जी जैसी है भाई, पर बहुत सही है कि नहीं, मस्त है कि नहीं, थोड़ा ऐसा सूखा सूखा है ना। मैं खमन तो पूरा जाए, खमन मीठा होगा। हाँ, खमन मीठा होता है, तीन कलर का भी खमन आता है हमारे। हाँ, मेरी इधर भी होता है खमन, लोग मीठा बहुत खाते हैं जैसे पहले बोला, खमन टेस्ट करते हैं। मीठा है, पर चटनी तो दी नहीं उसने, दी है भाई निकालेगा, खा लो इतने सही। दो स्टेट जो चुके अभी, जो अभी स्टूडियो में आया थोड़ा रेस्ट करूंगा, कुछ टाइम पास मस्त करूंगा, फिर अपने साथ जो है अभी बूट कैंप में और एक बंदा आ चुका है जो कि थंबनेल वाला है, तो मैं आप लोग को उससे भी मिलाता हूँ। यश भाई आ चुका है अपना नेक्स्ट स्टेट हैदराबाद, और वो जो है बिरयानी, क्या बोलते मिया, बिरयानी होना भाई होना, तो भाई हैदराबाद से यही है। हाँ सही में, तुम हैदराबाद से हो, प्रॉपर हैदराबाद, ये खा के तुम पागल हो जाना। और गाइस दिस इज अ न्यू बूट कैंप मेंबर, या तो इनके हाथ को थोड़ा सा ये हो गया है, कोई ना, ये जो अपने थंबनेल वंबनेल बनाए गए, पहली बार टेस्ट करने वाला बिरयानी, मैं आज तक कभी नहीं खाया, मैं तवा पुलाव खाया हूं लेकिन बिरयानी नहीं खाया हूं मैं, कभी बिरयानी नहीं खाई है, कभी टेस्ट नहीं किया मैं बिरयानी, वेज बिरयानी जिंदगी में होती ही नहीं है। हां नॉन बिरयानी सिर्फ नॉनवेज में ही काउंट होती है, वेज में ओनली पुलाव, सही में ओनली एंड ओनली पुलाव। हां तो अपन इसलिए फिर पुलाव ही खाते रहे, इसके लिए बिरयानी नहीं खाते, तो अभी हर होटल में कैटेगरी में, सही में पहले मैं खुद टेस्ट नहीं करता, पहले टेस्ट कराता हूं दूसरों से कि कैसा टेस्ट आता है इसका।
ब्रिलियंट एक नंबर सही में जेन्युइन जेन्युइन आंसर मजाक नहीं बहुत टेस्टी है इंडियन है चटनी में डुबा डुबा के तुम खाओगे दूसरा बाइट लिया मतलब तो अच्छा लगा बहुत बहुत प्यार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बिरयानी खाएंगे क्या मियां कैसी लगी तुम्हें बिरयानी ना ऊपर से प्लेन चावल है और पहले हां भाई इसके अंदर और मसाला नहीं ज्यादा ये भी नहीं है भाई फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम रही वेज हैदराबादी बिरयानी होती क्या मियां देखते हैं काफी ज्यादा ऊपर है भाई बहुत मस्त मेरे को भी ऐसे तो अच्छी लगी इतनी भी खराब नहीं थी अभी बढ़ते नेक्स्ट स्टेट की तरफ देखते हैं कौन सा नया स्टेट होगा अभी हम लोग जो जा रहे हैं पंजाब जो कि पंजाब जा रहे हैं भाई ये मेरे को बोला तो ढाबे पे जा रहे हैं खाने मेरे को पंजाब लेके जा रहे हैं भाई पंजाबी रेस्टोरेंट भाई अच्छा तो पंजाबी रेस्टोरेंट जा रहे हो जो कि हमारे इधर कोई पंजाबी रेस्टोरेंट ही नहीं है पंजाबी फूड रहेगा मतलब लेकिन कोई पंजाबी रेस्टोरेंट नहीं तो भाई हम लोग ने इतना एक और आधा घंटा ढूंढा अब जाके एक मिला है और वो भी एक घंटा दूर है भाई तो भाई अभी एक घंटा दूर जाना है अभी उड़ा देता भाई तो अभी हम लोग को एक घंटा दूर जाना है और फिर हमको मिलेगा वो पंजाबी फूड जो है मैं कल का दिन में स्टार्ट करूंगा क्योंकि आज तो भाई ढूंढने में ही टाइम चला गया अभी कल मेरे को और तीन स्टेट ढूंढने पर कल के मेरे को लगता है तीन थोड़े इजी है तो या गाइस लेट्स गो जाते सीधा पंजाब के ढाबे पे क्या जैसे हम पंजाबी होटल में और एक पंजाबी भी आ चुका है और भाई होटल में ये दोस्त के बात कर रहे हैं ए पंजाबी बोल सस्पेंड थोड़ी आधी देर में पंजाबी बोल नहीं है मैनू पंजाबी बोलनी नहीं आंदी है पर मैनू यही हैंदी है कि है हैं चंगी है और गाइस और लस्सी पियेंगे आहा ये तो गाइस मेरी फेवरेट है लस्सी मंगाया है छोले भटूरे पनीर कुलचा इतना मंगाया और इसके साथ ये कुछ तो छोले की सब्जी आई है वापस मैंने भी नहीं खाया अरे तेको पता है ना मैं कौन हूँ गाइस इनको पता नहीं मैं कितना खाता हूँ ये जो है ना ये दो और एक पूरी लस्सी आराम से ठीक है छोड़ अरे इनकी जोड़ी होती है लस्सी क्रीम 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 लस्सी क्रीम। सही में भाई मेरे को टेस्ट करना है भाई जल्दी टेस्ट कराओ गलत फील कर ऐसा उतर रहा गले से ओ गले से एक बार मंगा देते क्या भाई खाते अरे खाते ना गुड मॉर्निंग आ चुके हैं नेक्स्ट डे टू पे आज हम लोग खाने वाले तीन और अलग स्टेट्स के फूड तो जो कि होगा वो आप लोग आगे वीडियो में ही देख लेना तो अभी मैं जो फिलहाल जो है वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मेरे मेन चैनल पे ये तो दूसरे चैनल पे ब्लॉग आता है तो यस गाइस मेन चैनल पे वीडियो अपलोड हो रही है वीडियो अपलोड करता हूँ फिर मैं थोड़ा फ्रेश होता हूँ खाना खाता हूँ खाना नहीं खाना है अपने को खाना किधर खाना है खाना तो उधर जाके ही खाना है तो अभी जो हम लोग निकल रहे हैं वापस से नेक्स्ट स्टेट की तरफ जो कि कर्नाटका और कर्नाटका का आप लोग जो भी कर्नाटका से आप लोगों को पता रहेगा मैसूर मसाला कितना फेमस है वो स्टोर की तरफ मैसूर डोसा तो गाइज ये जो है कर्नाटका का फेमस डिश है जो कि मैसूर डोसा है और ये हम लोग को भी इधर बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैसूर डोसा मतलब बहुत टेस्टी आता है गाइज उसका जो मसाला है वो काफी अच्छा रहता है। हाँ यार ये देखो यार ये जो रेड रेड मसाला रहता है ना वो काफी क्रेजी मसाला रहता है तो गाइज टेस्ट करते हैं इसको बिना किसी तरीके और गाइज मेरे को कमेंट बताओ किसको सिर्फ चटनी पसंद है और किसको दोनों पसंद है सांबर चटनी मेरे को तो दोनों पसंद है जश को सिर्फ चटनी पसंद है मेरे को तो सिर्फ चटनी पसंद मेरे को दोनों पसंद है भाई सांबर भी अच्छा लगता है भाई। अच्छा लगता है भाई सांबर है मैसूर मसाला तो वो वैसे भी इतना जॉर्ज रहता है भाई गाइस सब अब तक जितने भी स्टेट्स के सब मेरे को पसंद है सिर्फ हैदराबाद की बिरयानी लेकिन वो भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल पसंद है मेरे को हाँ ठीक लगी वो तू प्योर जाके हैदराबाद में खाएगा तो शायद तेरे को एक अलग टेस्ट आ सके चावल की डिशेज मतलब इतनी भी ज्यादा पसंद नहीं है बट या अच्छी थी बिरयानी ऐसे भी नो डाउट की गंदी थी बट इसकी इतनी टेस्टी है ना क्या बोलूं भाई वैसे साउथ इंडियन देखा है ना तो मेरा वैसे ही हाँ सेम सेम भाई बहुत मस्त आता है यार ये चीज बोल हो चुके हैं टोटल पांच स्टेट्स हो चुके हैं टोटल अब और दो बचे होते तब तक हम लोग ये डोसा कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ आ चुका है दिल्ली और दिल्ली का जो है मोमो जो कि बहुत फेमस है दिल्ली में दिल्ली का छोले भटूरे फेमस है लेकिन हम कल पंजाब में कर चुके तो अभी हम आ चुके हैं मोमोज की शॉप पे एक और अब हम टेस्ट करेंगे मोमोज चेक करते हैं कैसा मैंने दो तीन बार टेस्ट किया हुआ है मेरे को तो अच्छा लगता है पर और एक बार अभी टेस्ट करता हूँ मोमोज जो कि ऊपर चीज़ है काफ़ी तगड़ा वाला तो लेट्स ट्राई कैसी रही बहुत गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा होने देते फिर ट्राई करते फटी अरे बहुत गर्म है तोड़ूंगा तो से मेरी जीभ जल के बाहर आ जाएगी कर दिया हम लोग ने
अभी टेस्ट करते हैं, एक चटनी लेते हैं थोड़ी सी और थोड़ा मेयो, थोड़ा ज़्यादा मेयो बनता है भाई। अरे अच्छा सही में मस्त है यार। अंदर स्टफिंग है ना, चाइनीज समोसा पता है, हाँ उसके अंदर ऐसी स्टफिंग लग रही है। ओह भाई और चीज़ ऊपर से गलत मजा आ रहा है। सो प्लस दिल्ली भी हो गया यहाँ पर अब तेरा, दिल्ली भी हो गया अभी पूरा खत्म करते हैं। और भाई लास्ट चीज़ एक बची है, वो कंप्लीट करेगा और फिर अपना जो चैलेंज खत्म होगा और फिर छोटे वाले को बोलूँगा ये चैलेंज जो अपना कंप्लीट है। फाइनल कॉल जो कि आता है अपना राजस्थान और वो है दाल बाटी। तो यश भाई चैलेंज कंप्लीट, बोला था 7 में से 7 इजी पीजी कर दूंगा। ये तो बता है राजस्थान का स्पेशल। और गाइस दिस इज राजस्थान का स्पेशल जो कि दाल बाटी, जो ये बाटी रहती है और ये जो दाल रहती है इसको मिक्स करके खाते हैं और ये इतनी टेस्टी रहती है कि क्या बोलने का भाई, कोई है ही नहीं भाई, कोई इसका लेवल ही नहीं है भाई, लेवल ही नहीं है। तो गाइस अभी आप लोग ये लास्ट बस ये खाएंगे क्योंकि भाई हम लोग ने इस वीडियो में इतना खाया है कि भाई क्या थक गए भाई खा के। दो दिन से सिर्फ अलग अलग स्टेट्स के खा रहा हूँ मैं सिर्फ, और बता भी नहीं सकते कौन से स्टेट का खाना सबसे बेस्ट है ना यार, इतना कंफ्यूज होता है ना क्या बोलूं भाई। इनके तुम्हारे स्टेट में क्या स्पेशल है वो बताओ गाइस, तुम्हारे स्टेट में क्या स्पेशल है। हाँ गाइस तो बताओ आप लोग के स्टेट में क्या स्पेशल है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं वो भी पार्ट टू में अपन ट्राई करेंगे। तो जाते अभी सीधा खाते भाई, खाने खाना है भाई पहले, फिर पूरा ऐसे पूरा चूरते उड़ते फिर उसके ऊपर डाल के खाते। लेकिन आप लोग ने देखा जैसे हम लोग ने इतना कुछ खाया तो अब जो मेरा पेट इतना फुल है कि मैं पूरा नहीं खा पाऊंगा, तो मैं जस्ट एक बाइट टेस्ट कर रहा हूँ भाई। है तो टेस्टी, घर जैसा है, घर जैसा है, सही में बोल दो घर जैसा है। एक्चुअली दाल बाटी ना किधर भी मंगवाओ घर जैसा ही बनता है। हाँ भाई एक ही तो टाइम है, एक ही तो पूरा एक इसी तरह एक घर जैसे ही बनेगा। तो यस गाइस मैंने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, अगर आप लोग को ये चैलेंज पसंद आया तो आपको अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना है। आपको मिलते हैं किसी नई अलग ब्लॉग या फिर चैलेंज वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पी।